योगी आदित्यनाथ अयोध्या से लड़ सकते हैं चुनाव। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में चर्चा। पार्टी नेताओं की राय, अयोध्या हिंदुत्व और विकास का मॉडल, पूरे प्रदेश में जाएगा बड़ा संदेश। दिल्ली में गुरुवार को होगी बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। उम्मीदवारों के नाम पर लगेगी मोहर। दो दिन की बैठक में 300 से ज्यादा सीटों पर मंथन, 175 से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम करीब तय। बीजेपी सिटिंग विधायकों का टिकट काटने की बजाय सीट बदलने की स्ट्रैटेजी पर कर रही है विचार। योगी सरकार के एक और मंत्री का इस्तीफा, वन मंत्री दारा सिंह चौहान ने दिया इस्तीफा। बीजेपी छोड़ने के बाद बोले दारा सिंह, दलितों की उपेक्षा से आहत हूं। केशव प्रसाद मौर्य की सलाह, डूबती नाव पर सवार होने से नुकसान ही होगा। अखिलेश यादव ने दारा सिंह के साथ तस्वीर शेयर करके खुशी जताई। अखिलेश ने कहा, 80% जनता सपा के साथ और 20% बीजेपी से नाराज। अखिलेश का बीजेपी पर हमला, यूपी की जनता नकारात्मक राजनीति से परेशान। अखिलेश यादव बोले, स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह का अपमान किया गया। एसपी नेता रामगोपाल यादव का तंज, स्वामी प्रसाद और दारा सिंह के इस्तीफे ने बीजेपी की कमर तोड़ी। भदोही से बीजेपी विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी के इस्तीफे की बात गलत, कहा साजिश रची गई, फर्जी लेटर पैड हुआ था वायरल, अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सहयोगी दलों के साथ अखिलेश की बैठक, राजभर, शिवपाल यादव और कृष्णा पटेल रहे मौजूद। बैठक के बाद राजभर का बयान, पहले और दूसरे चरण के उम्मीदवारों का गुरुवार को करेंगे ऐलान। एसपी और कांग्रेस को भी झटका, कांग्रेस विधायक नरेश सैनी और एसपी विधायक हरिओम यादव बीजेपी में आए। इमरान मसूद समाजवादी पार्टी में शामिल, अखिलेश से मिलने के बाद किया ऐलान। इंडिया टीवी से बोले नरेश सैनी, बीजेपी की कार्यशैली और पीएम की नीतियों से प्रभावित होकर लिया फैसला। शिवपाल यादव के 20 उम्मीदवारों को टिकट देगी एसपी, साइकिल निशान पर चुनाव लड़ेंगे शिवपाल यादव। कांग्रेस से इस्तीफा देकर आरएलडी में पहुंचे अवतार सिंह भड़ाना, फरीदाबाद से 4 बार रहे हैं सांसद। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट, धार्मिक भावनाएं भड़काने के मामले पर कोर्ट का आदेश। 24 जनवरी को स्वामी प्रसाद मौर्य को पेश होने का आदेश, 7 साल पुराना मामला। केजरीवाल ने पेश किया आपका पंजाब मॉडल, एजेंडे में विकास के लिए 10 फॉर्मूले। पंजाब में आम आदमी पार्टी के डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत, खरड़ में घर घर जाकर किया प्रचार। कैंपेनिंग के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन पर रिटर्निंग ऑफिसर का नोटिस, 24 घंटे में आपसे मांगा जवाब। आपके पंजाब मॉडल को नवजोत सिंह सिद्धू ने बताया कॉपी वाला मॉडल। पंजाब में संयुक्त समाज मोर्चा ने कसी कमर, 10 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी। कांग्रेस ने उत्तराखंड के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय को सभी पदों से हटाया। 5 राज्यों में बीजेपी की म्यूजिकल तैयारी, गायक कन्हैया मित्तल और मनोज तिवारी ने रिकॉर्ड किया नया गाना। कांग्रेस ने मोहन प्रकाश को उत्तराखंड का सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त किया। पीएम की सुरक्षा में चूक मामले पर रिटायर्ड जस्टिस इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में टीम गठित। सुप्रीम कोर्ट की पंजाब और केंद्र को फटकार, कहा आपस में बहस से कोई फायदा नहीं होगा। सुरक्षा चूक को लेकर सीएम योगी का बड़ा हमला, प्रायोजित था हमला, खूनी साजिश रची गई। एक वकील ने पीएम की सुरक्षा मामले में धमकी भरे फोन का आरोप लगाया, दिल्ली में केस दर्ज। पीएम की सुरक्षा में लापरवाही को लेकर पूर्व सैनिकों ने राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी। पीएम मोदी गुरुवार को सभी मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे बैठक, कोरोना पर होगी चर्चा। भारत और चीन के बीच कोर कमांडर लेवल की 14वें दौर की बातचीत, चीन के चुशुल मॉल्डो में बैठक। आर्मी चीफ जनरल नरवणे का बड़ा बयान, चीनी सेना के साथ सख्ती से निपटना रखेंगे जारी। जनरल एमएम नरवणे ने कहा, पूर्वी लद्दाख में खतरा नहीं हुआ है कम। पाकिस्तान पर भी बोले नरवणे, पश्चिमी मोर्चे पर आतंकियों का बड़ा जमावड़ा। उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल वाई के जोशी ने कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था की ली जानकारी। ड्रग्स केस में अकाली नेता विक्रम अजीतिया से एसआईटी ने की पूछताछ। हरिद्वार धर्म संसद मामले पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र, उत्तराखंड और दिल्ली सरकार को नोटिस। पीएम मोदी ने तमिलनाडु में 11 नए मेडिकल कॉलेजों का किया उद्घाटन। उद्घाटन के बाद बोले पीएम, भारत में मेडिकल टूरिज्म बन सकता है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बाघ को सोमवार चैनलों की रेटिंग तत्काल प्रभाव से जारी करने के दिए आदेश। एस सोमनाथ, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नए चेयरमैन बने, K7 का कार्यकाल पूरा। गगनयान मिशन की तरफ इसरो का एक और सफल कदम, 720 सेकंड तक क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़, गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।